भारत में ट्विटर एक बार फिर चर्चा में है। पक्ष और विपक्ष के बीच झूल रहा ट्विटर इस बार विपक्ष के निशाने पर है। ट्विटर ने ऐसा काम किया है जिससे कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। ट्विटर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं के अकाउंट लॉक कर दिए हैं। ऐसे में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं के अकाउंट लॉक होने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है ट्विटर ने केंद्र सरकार के दबाव में ऐसा किया है। वहीं ट्विटर ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने से ऐसा हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि ट्विटर भारत में बीजेपी सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने में उसका साथ दे रहा है। हालांकि भले ही कांग्रेसियों का अकाउंट बंद होने पर कांग्रेस हायतौबा मचा रही है, लेकिन राहुल गांधी का अकाउंट इसलिए बंद किया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले दिल्ली में कथित रेप और हत्या की पीड़ित 9 वर्षीय बच्ची के माता पिता से मुलाकात की तस्वीर शेयर की थी। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने के विरोध स्वरूप अपने ट्विटर अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की तस्वीर लगा ली। वहीं राहुल गांधी के अलावा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, महासचिव अजय माकन समेत कई नेताओं के अकाउंट लॉक किए गए हैं और इसी को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है। हालांकि पिछले दिनों जब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया करार दे दिया था तो कांग्रेस खुश हुई थी और कांग्रेस द्वारा ट्विटर के समर्थन में खूब बयानबाजी की गई। लेकिन इस बार ट्विटर ने कांग्रेस के नेताओं पर एक्शन लिया है तो कांग्रेस ट्विटर को सरकार का एजेंट बताने में जुटी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस ये कैसी राजनीति कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने अगर नियमों का उल्लंघन किया है तो फिर भुगतना तो पड़ेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।